गाइस हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर के, और आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा शर्मसार होने वाली है। आज तक हमने आपके साथ टॉक्सिक टीचर के बारे में बहुत सारी कहानियां शेयर की है, लेकिन आज की जो कहानी है वो होने वाली है टॉक्सिक रिलेटिव के बारे में, और वो भी रिलेटिव कोई दूर का रिलेटिव नहीं, खुद के मामा। मामा और भांजी का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में एक माना जाता है, लेकिन जब एक मामा अपनी खुद की सगी भांजी को गंदे नजर से देखे, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, वो भी घर के सारे लोगों के सामने, मतलब लोगों के आंखों से बच बच कर, और बच्ची चुपचाप उस चीज को सह रही है, ये कितनी बड़ी चीज है यार। एंड उससे भी बड़ी बात बताए, ये जो कहानी है ना, ये मेरे किसी बहुत करीबी की कहानी है। लास्ट टाइम हमने आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर की थी टॉक्सिक टीचर, जहां पर एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट को प्रेग्नेंट कर दिया था। उस स्टोरी के बाद मेरे को मेरी एक दोस्त का कॉल आता है, दोस्त नहीं बहन बोल सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज है, बचपन से लेकर के जवानी हमने साथ गुजारा है। और अगर आप लोगों को वो स्टोरी याद है सोनू मोनू वाली, जो हमारे ही मोहल्ले में भूत घूमता था, उस स्टोरी में हमने आपको बताया है कि बचपन में हमारा जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत बड़ा था, पूरे मोहल्ले के बच्चे साथ में खेला करते थे, और उस ग्रुप में 15 साल से बच्चे से लेकर के 5 साल के उम्र के बच्चे साथ में खेलते थे, और 20-25 बच्चे होते थे। अगर वो कहानी आपने नहीं देखी है ना, तो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जरूर देखना, बहुत डरावनी स्टोरी है। और उस स्टोरी में हमने उसी दोस्त का जिक्र भी किया है जिसके बारे में आज ये कहानी होने वाली है। तो आप लोगों को हम क्या बता रहे थे कि हाँ, उस वीडियो के बाद उसने मेरे को 2 दिन के बाद कॉल किया, और वो बोली कि यार प्रिया, तुम्हारी टॉक्सिक टीचर वाली वीडियो हम देखे, एंड उसके बाद मेरे को मेरे साथ घटी हुई घटना याद आ गई, एंड आई वॉज लाइक कि हाँ बहन, ये घटना तो तुम्हारे साथ घटी थी, और वहां पर ना विटनेस हम भी थे। मेरे ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं यार, लाइक लिटरली एक छोटी सी माइनर बच्ची के साथ एक 15-16 साल का लड़का, जो कि रिश्ते में उसका मामा लग रहा है, उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है डेली, लेकिन उस बच्ची को कोई नॉलेज नहीं है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, जिस चक्कर में वो आवाज नहीं उठा पा रही है। मेरी दोस्त ने मेरे को बोला कि हम लोग तो छोटे थे, हमें नहीं पता था कि ये सारी चीजें क्या होती है, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, हमें गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, माँ बाप से बताते तो डर लगता था कि माँ बाप हमें कैसे जज करेंगे, हमारा स्कूल जाना बंद कर देंगे, लेकिन आज के बच्चे, हम बच्चों के कंपैरेटिवली ना, हमारे टाइम के बच्चों के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा फॉर्चुनेट है, आपके माँ बाप काफी ज्यादा खुले विचारों के हो गए हैं, साथ ही साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां पर भी बहुत सारी मोटिवेशनल और साथ ही साथ अवेयरनेस फैलाने वाली वीडियो है, और अगर हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है रानी, तो हम लोग आपके साथ क्यों ना शेयर करें। तो आज की कहानी से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे एक ही परिवार के अंदर कितने बड़े राक्षस होते हैं, जो अपने ही घर के बच्चों को बच्चा ना समझ करके ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। सही में जब ये कहानी हमें याद आई ना, तो हम लोग भी ये सोचने में मजबूर हो गए कि अभी तक हम लोग कैसे आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर नहीं की है, और फिर हमने डिसाइड किया कि ये कहानी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी ही चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कुछ कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो कि अपना हवस बुझाने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो, कोई अपना ब्लड में ही क्यों ना हो, चाहे वो मासूम 10 से 11 साल की बच्ची क्यों ना। और सीरियसली बता रहे हैं ना, आज की कहानी बहुत ज्यादा घिनौनी भी होने वाली है, मतलब आप लोग भी ना सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, वो लोगों को शर्म नहीं आएगी। अभी इस कहानी को बोलने से पहले ही मेरे को लग रहा है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसा होना चाहिए। वी विल ट्राई कि हम लोग बहुत कम बोल करके बहुत सारा कुछ आप लोगों को समझा दें, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। और ये कहानी ना हम लोग 2 पर्सपेक्टिव से आप लोगों के आगे रखेंगे। पहला, दीदी की दोस्त के नजरिए से कि उसके साथ सब कुछ हो रहा था, बेचारी चुपचाप सह रही थी लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कितना ज्यादा वो सह रही होगी ना, अभी भी हम सोच रहे तो मेरा खून खौल जा रहा है। और दूसरा, हमारे नजरिए से जो कि हम लोग 3rd पर्सन थे, कि हमारे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, और कहीं ना हम लोग सेंस भी कर ले रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग खुद छोटे थे। मेरे को तो ढंग से याद भी नहीं है, हम तो मुश्किल से 5 से 6 साल के होंगे। तो आज आप लोगों को ये कहानी बहुत कुछ सिखाने वाली है, और साथ ही साथ आप लोग अवेयर भी होने वाले हो। तो दीदी लेट नहीं करते, जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो कहानी है ये शुरू हुई थी लगभग 2006 में। मेरी दोस्त, चलो उसका काल्पनिक नाम हम लोग आस्था रख देते हैं, अभी तो वो जॉब कर रही है, अपने लाइफ में वेल सेटल्ड है, बहुत खुश है, लेकिन 2006 आस्था के लाइफ का ना सबसे डार्केस्ट टाइम था। उस टाइम पे वो 10 साल की हुआ करती थी एंड उसी टाइम पे वो बेचारी काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली ही गई थी और बहुत कट-कट के लोगों से रहने लगी थी। उसके साथ कुछ ऐसा घटना हुआ था और वो घटना किसने किया था ये तो हमने आपको बताया ही, उसके खुद के सगे मामा ने। तो 2006 में आस्था के मामा आते हैं गांव से रांची यहीं पर पढ़ाई करने के लिए इंटर में, मतलब कि 10th बोर्ड उन्होंने गांव में दे दिया था और 11th क्लास के लिए उन्होंने रांची के मारवाड़ी कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। आस्था की उम्र उस टाइम पे 10 साल की थी और उसके मामा की उम्र 15 साल की थी। दोनों की उम्र में ज्यादा गैप नहीं था, केवल 5 साल का गैप था और बचपन से वो लोग साथ में ही खेलते थे तो इसीलिए उनके बीच की बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी। मामा और भांजी के रिश्ते से ज्यादा उन लोगों के बीच में भाई बहन का रिश्ता था। जब आस्था के मामा अपना मैट्रिक बोर्ड देने के बाद रांची में आ जाते हैं तो वो आस्था के फैमिली के साथ ही रह रहे थे। आस्था के फैमिली में उसके मम्मी, पापा, एक छोटा भाई और आस्था थे और अब उसके मामा जी आ गए थे, मतलब टोटल 5 लोग रहा करते थे। और अगर आस्था के घर की बात करें ना तो उन लोगों का रेंट का घर हुआ करता था, एक रूम था, एक किचन था, एक बालकनी थी और एक रूम में ही वो लोग क्या करते थे ना, 2 बेड को ज्वाइंट करके उन्होंने लगा दिया था और 5 लोग उसी बेड पर सोया करते थे। सबसे पहले आस्था के पापा सोते थे, आस्था के पापा के बाद आस्था का भाई सोता था, फिर आस्था की मम्मी सोती थी, फिर आस्था सोती थी और उसके बाद आस्था के मामा जी सोया करते थे। अच्छा, यहाँ तो हमने आस्था के परिवार के बारे में बता दिया। अब देखो, जब आस्था के मामा रांची में रहने के लिए आए तब तो उनका कोई दोस्त यार था नहीं और हम लोगों का मोहल्ले में बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था और गर्मी का टाइम था। जब मैट्रिक एग्जाम खत्म हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च तक, उसके बाद जो ये मार्च के बाद अप्रैल मई जून एडमिशन के लिए 3 महीने का टाइम खाली रहता है, मामा जी यहीं थे और 3 महीने हम मोहल्ले के सारे बच्चे ना खूब खेला करते थे। और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हम लोग बता दें कि हमारे घर से कुछ दूरी पर ही ना एक बहुत बड़ा डैम है, वहां पर पहाड़ है, वहां पर नदी है, तो हम लोग कभी कभी ग्रुप बना करके ना उस डैम में भी चला जाया करते थे। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो हम लोग केवल फ्रेंड्स ही खेलते थे लेकिन धीरे धीरे मामा जी ने हम सभी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो भी हम लोगों के साथ खेलने लगे थे। और यहाँ पर क्या था ना कि वो सबसे बड़े थे उम्र में तो काइंड ऑफ वो लीडर भैया थे, वो हमें लीडरशिप देते थे कि ये करना, ऐसे खेलना है और हम लोग उनकी बात को मान लेते थे। इनफैक्ट हमें घर से ना अकेले डैम जाने के लिए कभी परमिशन नहीं मिलती थी लेकिन हाँ, उस मामा जी ने अपना रिप्यूटेशन मोहल्ले में बहुत अच्छा बना लिया था और उनके कहने पे हमारी खुद की मम्मी, हमारे मोहल्ले की जितनी आंटियां थी ना, अपने बच्चों को उनके साथ छोड़ देती थी इस भरोसे पे कि हाँ, मामा जी बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। वैसे भी वो मामा जी जब आए थे तो काफी ज्यादा समझदार लगते थे, अपने उम्र से ज्यादा समझदार लगते थे। हाँ भाई, उम्र से तो ज्यादा समझदार थे ही, क्योंकि 15 साल में उन्होंने जो कांड किया ना, 15 साल का बच्चा तो कभी भी नहीं कर सकता है। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन हाँ, एक चीज रानी हम नोटिस करेंगे, पता है क्या, हम लोग जब खेला करते थे ना उस ग्रुप में सबसे छोटी रानी थी, ये मुश्किल से 5 साल की होगी या 4 साल की होगी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं थी। और हम लोग जब भी खेला करते थे तो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, उनका दूध भात रख देते थे। आप लोगों को पता होगा दूध भात किसे कहते हैं, मतलब अगर इसको हम लोग चोर बना देते थे ना तो ये चोर नहीं बनती थी, ये बस ग्रुप में दौड़ती थी, बाकी ये नाके बराबर थी। तो हमेशा मामा जी क्या करते थे ना, इसको गोद में उठा करके साइड हट जाया करते थे और हम लोग बाकी बच्चे खेला करते थे। मेरे को हमेशा लगता था कि भाई मामा जी इतना भी रानी से क्या प्यार कर रहे हो, लेकिन कौन ही सोचता है यार, मेरे को लगा कि रानी छोटी बच्ची है, क्यूट है, प्यारी सी है, तो मामा जी खिलाते हैं। और 2-3 घंटे हम लोग शाम में खेला करते थे, 2-3 घंटे मामा जी रानी के साथ एक कोने में कुर्सी पे बैठा करते थे, उसे पकड़ते थे, उसको चूमते थे और ऐसे ऐसे पकड़ के खूब करते थे। हम लोग किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, इनफैक्ट मेरी मम्मी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि छोटे बच्चों को तो सारे लोग प्यार करते हैं यार। दीदी, ये सब तो हमको याद नहीं है, शायद हम ज्यादा छोटे थे क्या? बहन तुम 4-5 साल की थी और शक्ल से कभी देख के वो मामा जी का नहीं लगा कि वो कितने ज्यादा तेज है, उनका एक्सप्रेशन कितना गंदा वाला है? बहन हम भी 6-7 साल के थे तो मेरे को कहां से पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज तो थी, वो मामा जी क्या करते थे ना, जब भी हम लोग अकेले शॉप जाया करते थे या कभी भी अकेले मिलते थे ना तो देख देख करके ना गाना गाया करते थे। तो मेरे को ना ये चीज बहुत वियर्ड लगी थी और मेरे को याद है हम उनको बोले भी थे कि देखो, हम अपने पापा को बोल देंगे और बहुत
मार खिलवाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग मूवीज देखते थे तो मेरे को पता था कि लफंडर लोग देख के गाना गाता है। फिर हम अपनी फ्रेंड आस्था को बोले भी यार तेरे मामा जी ना मेरे को अच्छे नहीं लगते, इनको ना हम लोग अपने साथ खिलाएंगे नहीं, ये हमेशा देख देख के गाना गाते हैं। तो आस्था बोली कि यार ये मजाक में गाते होंगे बाबा, और आस्था मेरे से 2-3 साल बड़ी थी तो एटलीस्ट ना उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज थी और मेरे को उस पर काफी ट्रस्ट भी था, तो वो जो बोलती थी हम वो कर देते थे। और बच्चे थे यार, इतना दिमाग दिमाग नहीं चलता है, किसी का नियत या किसी का कैरेक्टर जज करना हमें नहीं आता है। लेकिन हाँ, जब भी हम लोग छुआ छुई खेलते थे ना, मेरे को एक चीज याद है, वो मामा जी का टच बहुत गंदा था। वो दौड़ते दौड़ते ना मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों का फ्रॉक उठा दिया करते थे, स्कर्ट उठा दिया करते थे, और उसके बाद बोलते थे हाँ हम तो मजाक कर रहे हैं। और लड़कों के साथ पता है वो क्या करते थे, बोलते थे हाथ उठाओ हाथ उठाओ, एक जादू कर रहे हैं, और उसका पैंट नीचे कर दिया करते थे। उस टाइम तो हम लोग हंसते थे, लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर 10-12 बच्चे हैं उस बीच में अगर आप किसी लड़की का स्कर्ट उठा दो, किसी लड़के का पैंट नीचे कर दो, तो ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है। तो ये सब चीज चलता था, लेकिन किसी ने अभी तक उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अनलेस और अनटिल अभी आगे जो घटना होती है। सॉरी गाइस, अभी हम लोग इसीलिए हंस रहे हैं ना क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि बहुत गंदी है, लेकिन बोलने से पहले ना हम लोगों से बोला नहीं जा रहा है। रानी बोलो। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है। जैसा कि दीदी ने बताया, दीदी मेरे को कॉन्सेंट्रेट करने दो, ऐसे ही मेरे से नहीं बोला जा रहा, ठीक है, थोड़ा हिम्मत हम जुटा रहे हैं, मेरे को बोल लेने दो, ऑकवर्ड मत करो। हाँ, तो दीदी ने आप लोगों को बताया था ना कि आस्था के बगल में उसकी मम्मी सोती थी और उसके इधर साइड उसके मामा सोया करते थे। अब देखो रात में ना जब भी वो लोग सोते थे तो मामा कितनी गंदी हरकतें किया करते थे। पहले तो उनकी आदत थी ना कि वो आस्था के ऊपर अपना पैर फेंक देते थे, हाथ फेंक देते थे, तो आस्था को लगता था कि सोने में यार सबकी आदतें होती है, कोई इंसान पैर मार देता है हाथ मार देता है, इसकी भी आदत है तो चलो चलता है इतना। इनफैक्ट उसके बूब्स एरिया पर भी हाथ रख देते, यार 10 साल की बच्ची पे आपको क्या ही मिलेगा, बट स्टिल आदत से मजबूर इंसान ऐसे हाथ रख दिया करते थे। और अभी ये सारी जो स्टोरी है ना वो आस्था दीदी ने कल परसों हमें कॉल करके अच्छे से डिटेल में बताई है, हमें इस बारे में तो पर्टिकुलरली बिल्कुल भी नहीं पता था। उन्होंने हमें क्या बताया ना कि रात में उनके मामा क्या किया करते थे, पता नहीं कमर के नीचे उनको ऐसा फील होता था ना कि कुछ टाइट सा ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत हार्ड जैसा है, जो कि आस्था दीदी के थाइस पे रब हो रहा है और फील हो रहा है। दीदी हमको बहुत गंदा लग रहा है बोलने में, थोड़ा तुम अच्छे से डिस्क्राइब कर दो ना, मतलब आस्था दीदी को कैसा फील हो रहा था, क्योंकि दीदी ही बात कर रही थी। नहीं, यहाँ पर बात एक्चुअली क्या थी, देखो सबसे पहले आस्था को फील हुआ कि जब वो ऐसे पीट करके सोती थी, या मान लो ऐसे सो रही है, मामा जी पीछे हैं, तो आस्था को फील होता था ना कि कुछ हार्ड सा ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है जो कि उसके हिप्स पे कभी टच हो रहा है, कभी थाई पे टच हो रहा है, और आस्था को समझ नहीं आता था कि वो चीज है क्या। यार एक 10 साल की बच्ची ना ह्यूमन बॉडी के बारे में, मेल बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानती। उसके बाद आस्था क्या करती थी ना, उसे हाथ से हटा देती थी, और जब वो हटाती थी वो ऑब्जेक्ट फिर से आ जाता था। बेचारी आस्था को समझ नहीं आता था कि आखिर ये चीज है क्या। 1-2 दिन ऐसे ही चला, ठीक है, और आस्था हमेशा ये सोचती थी कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, बट आस्था ने हमें बताया कि उसने किसी से पूछा ही नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो जाती है। 3rd दिन देखो क्या होता है, आस्था को फिर से कुछ हार्ड सा सब्सटेंस अपने बॉडी में टच होता हुआ फील होता है, एंड वो हिप से टच होते होते थाई के पास जाता है, एंड थाई के पास जाते ही वो मामा जी उसको आस्था के थाई में रब करने लगे थे। यहां पर आस्था बहुत ज्यादा डर गई और वो अपनी मम्मी को उठाई वहां पर, और फिर मम्मी को उठा करके बोलती है कि मम्मी तुम इधर आ जाओ ना, हमको इधर नहीं सोना है, हमको उधर पापा के पास सोना है। यहां पर मम्मी ने रात में तो कुछ नहीं बोला क्योंकि सारे लोग सो रहे थे, लेकिन सवेरे सवेरे उठ करके जब आस्था ब्रश कर रही थी, उसे स्कूल जाना था, तब आंटी जी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ था क्या रात में, क्योंकि आंटी जी शायद सेंस कर गई थी, लेकिन बेचारी आस्था उसको खुद नहीं पता था कि आखिर एक्चुअली वो चीज थी क्या, तो वो अपनी माँ को क्या एक्सप्लेन करती। आस्था बस इतना बोलती है कि मम्मी नहीं, मामा जी भारी है ना, वो अपना पैर मेरे ऊपर रख देते हैं, अपना हाथ रख देते हैं, तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए हम वहां पर नहीं सोएंगे। और एक बात बताए दीदी, ये सारे इंसिडेंट्स तो हमको अच्छे से याद नहीं है, यादें थोड़ी धुंधली धुंधली है, लेकिन एक पार्ट है ना हमको बहुत अच्छे से क्लियर है, इनफैक्ट अभी भी, कि हम लोग शाम को डैम खेलने जाते थे और जैसे ही खेलने के बाद 6-6:30 बज जाते थे, हल्का अंधेरा होने लगता था और हम लोग अपने अपने घर जाने लगते थे,
तो दीदी और हम हमेशा वेट करते थे कि आस्था दी के साथ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का आस्था दी के साथ जो बॉन्ड था वो ज्यादा ही क्लोज वाला था। लेकिन जो मामा थे ना, वो हम लोगों को हमेशा ना भगाने का कोशिश करते थे कि जाओ ना तुम लोग अपने घर जाओ, देखो अंधेरा होने वाला है, मम्मी वेट कर रही होगी, फिर तुम लोगों को डांट पड़ जाएगा, और ऐसा कहकर हम लोग को भगा देते थे। हमको पहले क्या लगता था ना कि शायद अकेले उनको जाके ना चॉकलेट खिलाते होंगे, अपनी भांजी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार जताते होंगे, लेकिन पता नहीं अंधेरा में उनके साथ क्या करते थे, उस बारे में तो हम कभी सोच ही नहीं पाए। और कभी सोचते ना तो हम उनको कभी छोड़ के हम और दीदी तो नहीं जाते, कितने ज्यादा घिनौने थे ना। और सीरियसली हम और दीदी क्या करते थे ना, जब मामा भगाते थे तो आ जाते थे, और मामा हमेशा ना साइकिल लेके डैम में रहा करते थे, और नहीं पता उनको ना कहीं कोने में ले जाते थे, और हम लोग घर पे ना वेट करते थे कि अब आस्था दी आएगी, अब आस्था दी आएगी। लेकिन करीब आधा घंटा हो जाता था ना, फिर पीछे से आस्था दी और मामा आते थे साथ साथ। और आपको बताएं उसके बाद मामा जी क्या करते थे, मतलब हम लोगों को भगाने के बाद आस्था को ले जाते थे झाड़ियों में, क्योंकि डैम वगैरह में ना बहुत सारे पेड़ है, अभी तो कम हो गए, अभी तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया उस एरिया में, पर आज से बहुत पहले 2006 के टाइम पे ना बहुत घने घने पेड़ होते थे। और वो मामा क्या करते थे, हम लोग सबको भेजते थे आस्था को झाड़ी में ले जाते थे, और एक दिन की बात है, मतलब मे भी डेली होता होगा, लेकिन एक दिन की बात है, उस चीज पर ध्यान दो। मामा आस्था को झाड़ियों में ले जाते हैं और ले जाकर के बोलते हैं कि आस्था आजकल तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोती हो, तो आस्था बोले कि नहीं मामा मेरे को ठीक नहीं लगता है इसीलिए। उसके बाद मामा बोले कि अच्छा आस्था मेरे साथ एक गेम खेलोगी क्या, आस्था बोली गेम अभी कौन सा गेम खेलेंगे इस झाड़ी में। उस टाइम पे आस्था बताती है उसको क्या लगा कि मे भी मामा उसको डराने के लिए लाए हैं, भूत भूत वाला जो होता था ना उस टाइप का, कि उसको झाड़ी में अकेले छोड़ करके वहां से भाग जाएंगे। तो आस्था बोलती है नहीं मामा नहीं मेरे को नहीं खेलना अभी, तो मामा बोलते हैं अरे डरो मत बहुत मजेदार गेम है। आस्था बोली कौन सा गेम है, तो मामा जी पता है क्या बोलते हैं, आलू भालू गेम है। आलू भालू मतलब उन्होंने उस गेम का नाम रखा था आलू भालू। तो आस्था बोली हाँ कैसे खेला जाता है बताइए, तो मामा बोलते हैं अपनी आंखें बंद करो। आस्था अपनी आंख बंद करती है और उसके बाद मामा जी उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ करके अपने पैंट के अंदर, अब समझो लेकिन कितना गंदा है। आस्था बताती है ना कि आज भी वो ये सीन याद करती है ना तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे इतना घिनौना फील होता है ना। और उसके बाद आस्था बोलती है कि वो तुरंत वहां से भागती है, मतलब वो आओ देखती है ना ताओ, क्योंकि अभी तक जो मामा कर रहे थे ना वो चुपके चोरी कर रहे थे, इनडायरेक्टली कर रहे थे, पर ये पहली बार था जब मामा ने आस्था पर ऐसे डायरेक्टली अटैक किया था। जैसे आस्था भागी तो मामा भी डर गए और वो अपनी साइकिल से तेजी तेजी से आस्था के पीछे आने लगे, और आस्था को रास्ते भर वो बोल भी रहे थे अरे आस्था मैं तो मजाक कर रहा था, देख तो घर में किसी को मत बताना, दीदी को मत बताना, दीदी मतलब आस्था की मम्मी। और आस्था कुछ रिप्लाई नहीं करती है, वो सीधे सीधे अपने घर चली जाती है। और उसके बाद क्या होता है रानी, पता नहीं मामा जी ने आस्था दी को क्या दिखा दिया, मतलब कौन सा नाग सांप दिखा दिया या नाग मणि दिखा दी, कि उस दिन के बाद से ना 2 दिन तक आस्था दी को ना बहुत तेज बुखार आ गया था, वो ना बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। इनफैक्ट हम लोग तो उनके घर भी गए थे, वो हम लोग से भी ढंग से बात नहीं करी थी, हो रहा था ना कि किसी को सदमा आ जाना है, एकदम जबान बंद हो गई थी, मुंह से कुछ शब्द निकल ही नहीं रहा था। हम लोगों को लगा मे भी ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन फिर भी उसके बाद से बुखार भी ठीक हो गया। लेकिन आस्था दी डैम भी खेलने नहीं जाया कर रही थी, इनफैक्ट हम लोगों को भी थोड़ा फील हो रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, इनफैक्ट आस्था दी दीदी से सब कुछ शेयर किया करती थी। नहीं लेकिन उसने मेरे को एक चीज बोला था कि प्रिया मामा ना अच्छे नहीं है, उनके साथ ना मत खेला कर, और उन्हें अपने ग्रुप से हम लोग निकाल देते हैं। तो मेरे को ना उस टाइम भी ये चीज समझ नहीं आया कि आस्था ये क्यों बोल रही है, और अभी हम लोग हंस रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आई नो देखो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बट अभी हंसी आती है यार, क्योंकि अभी तक कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ था, लेकिन कोई इंसान इतना गंदा कैसे हो सकता है। तो आस्था ने मेरे को ऐसा बोला और फिर हम सोचे छोड़ो मेरे को क्या ये मामा भांजी का बात है, क्योंकि समझ में नहीं आता यार, 7-8 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आएगा। और उसके बाद से मेरे को याद है आस्था बिल्कुल भी खेलने नहीं आती थी, और उसके बाद से क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे ना, तो वो स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, थक जाती थी। हम लोग नन्हे थे क्योंकि हम लोग वो बच्चे वाले स्कूल में पढ़ते थे, क्या बोलते हैं अरे नर्सरी प्री नर्सरी KG 1 KG 2 काइंड ऑफ वैसा, तो हम लोग तो खेलते थे, ट्यूशन तो जाते नहीं थे, घर में मम्मी ही पढ़ा दिया करती थी। लेकिन 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 कहते हैं ना कि हर पाप का घड़ा भरता है, उस बीच देखो जब तक आस्था हमारे साथ खेलने नहीं आई हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आस्था बोल रही थी कि उसको भी अच्छे से नहीं याद है, क्योंकि यार बहुत पुरानी बात है, उसकी यादें भी धुंधली सी हो गई, लेकिन जितना आस्था को याद है इस बीच कुछ बड़ा तो नहीं हुआ था। हाँ बीच बीच में मामा उसको छेड़ते जरूर थे, और मामा की हिम्मत इसलिए भी बढ़ रही थी क्योंकि अभी तक आस्था ने घर में किसी
किसी को नहीं बताया था। अगर आस्था पहले ही घर में किसी को बता देती ना, तो अभी आगे जो होने वाला है, जो कि बहुत घिनौना है, वो कभी होता ही नहीं। और यही आस्था की सबसे बड़ी गलती थी। आगे मामा जी के पाप का घड़ा भर गया। और रानी, इस इंसिडेंट को प्लीज तुम एक्सप्लेन करो, क्योंकि फिर हम हंस देंगे। कहा जाता है ना कि जब सच सामने आने वाला रहता है तो सारी कायनात भी उस अकॉर्डिंग सारा प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेती है। तो लकली देखो, उस दिन आस्था दी के घर में कोई भी नहीं था, सिवाय मामा थे और आस्था दी थी। और उनके ना घर से थोड़ा हटके, मतलब दीवार सटा हुआ था, आस्था दी की चाची लोग का घर था। अब यहाँ पर जो मामा जी थे वो आस्था को क्या कहते हैं ना कि चलो हम लोग लुका छिपी खेलेंगे, ठीक है, आंख मिचौनी का खेल, वो भी घर के अंदर खेलेंगे। अब आस्था दी बोली कि ठीक है चलो, एक गेम ही है ना, कोई गलत गेम तो नहीं खेल रहे हैं। और आस्था को भी क्या लगता था कि मामा जी अगर कुछ बुरा करेंगे तो घर के बाहर करेंगे, घर के अंदर करेंगे, ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था। या जो बोलो, बच्चा बुद्धि उसको समझ नहीं आया था, या पता नहीं यार बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है। आस्था मामा जी के साथ खेलने को रेडी हो गई। और ये भी चीज होता है ना कि जब आप एक इंसान के साथ 24 घंटे रह रहे हो, वो आपका फैमिली मेंबर है, तो आप भाग के कहीं जा भी नहीं सकते हो। अब यहाँ पर आस्था दी एग्री कर जाती है कि ठीक है चलो आंख मिचौनी खेलते हैं, क्योंकि दोनों घर पे बोर हो ही रहते, बच्चे थे तो खेलने के अलावा आज का जनरेशन थोड़ी है कि फोन वोन ताकि यूज कर लेते। अब यहाँ पर मामा जी कहते हैं कि तुम जाके कहीं छिप जाओ, हम ना 1 से लेके 10 तक काउंट करेंगे। आस्था दी दौड़ जाती है और उनको मिलता है बेड के नीचे वाला जो हो जाता है ना पोर्शन, की छुप के जाके चौकी चौकी हाँ चौकी होता है, चौकी के नीचे ना वो थोड़ा अंधेरा भी छाया हुआ रहता है, और नीचे जाके आस्था दी छिप जाती है। 10 तक काउंट करने के बाद अब मामा जी भी खोजने का एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मामा जी को पता था कि आस्था दी उसी रूम में घुसी हुई है, और उसी रूम में 3-4 फर्नीचर थे, तो वो कहाँ ही छुपी होगी, चौकी के नीचे, पलंग के नीचे। क्या करते हैं ना, जैसे ही मामा आस्था को देखते हैं, वो उसको धप्पा नहीं देते हैं, चुपचाप से पलंग के अंदर उसके साथ घुस जाते हैं। और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है ना अंदर, अब दोनों ना बहुत ज्यादा चिपके हुए थे। तब तक अंदर पता नहीं मामा जी आस्था दी के साथ क्या करते हैं, शायद उनके प्राइवेट पार्ट पे टच कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो गया था। नहीं, यहाँ पर मामा क्या करते हैं, आस्था को पकड़ने के लिए जाते हैं, और पकड़ के, रानी तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रही है, वो बोलते हैं कि हम तुमको पकड़ लियो, और ऐसे ही जबरदस्ती करते करते हाथ अंदर, एंड आपको पता ही है कोई इंसान हाथ अंदर करेगा तो क्या ही करेगा। और इसके बाद आस्था जो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी ना, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि उसको बर्दाश्त नहीं हुआ था। अब देखो मामा जी की गलती कैसे पकड़ी गई, ऐसे देखा जाए तो मामा जी आस्था दी के साथ गलत कर ही रहे थे, लेकिन मे भी हो सकता था बात और आगे बढ़ जाती, मामा जी ऐसी गलती कर देते ना कि शायद आस्था दी की जिंदगी बर्बाद हो जाती, वो ट्रॉमा में आ जाती। लेकिन वारदात से पहले ही ना आस्था दी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, और हम लोगों ने आपको बताया ना कि उस घर में ना मामा जी और आस्था के अलावा कोई नहीं था, गर्मी का समय था, दिन का टाइम था, तो गर्मी में लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। सोने के कारण ना पूरा मोहल्ला शांत था, और आस्था दी की चिल्लाने की आवाज से ना बगल में जो आस्था दी की चाची रहती थी वो दौड़ के आस्था दी के पास जाती है, और चाची क्या देखती है कि नीचे आस्था दी बैठी हुई है और अपने हाथ से जो प्राइवेट पार्ट है ना उसको ऐसे पकड़ी हुई है और बहुत सिकुड़ के बैठी हुई है, और बस रोए जा रही है। और मामा जी ना एकदम साइड किचन में कोने में खड़े हो गए थे, मामा जी को तो ऐसा लग रहा था ना कि सदमा मार दिया है, वो तो सामने चाची के आ ही नहीं रहे थे। अब यहाँ पर चाची को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आस्था क्यों रोए जा रही है, वो मामा जी से भी पूछती है किचन में जाके, लेकिन यहाँ पर मामा जी तो एकदम सन्न खड़े थे। फिर चाची जाती है आस्था के पास, उनसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था कुछ नहीं बताती है। लेकिन थोड़ा जोर देने के बाद क्या होता है दीदी, चाची बहुत ज्यादा जोर देती है कि आस्था बेटा बता दो क्या हुआ, क्योंकि घर पे मम्मी नहीं थी, और यहाँ पर जो आस्था की मम्मी थी वो चाची पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गई थी कि आस्था का और उनके भाई का, मतलब कि मामा जी का ध्यान रखने के लिए। चाची आस्था का हाथ हटाती है उसके प्राइवेट एरिया से और पूछती है कि बेटा क्या हुआ बताओ मैं हूँ। और जैसे ही चाची ने आस्था का हाथ हटाया ना, आस्था ने वापस से हाथ रख लिया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। ऐसा फील हो रहा था ना कि पता नहीं आस्था के प्राइवेट एरिया में कितना ज्यादा पेन हो रहा है। चाची क्या करती है, आस्था को उठा कर कमरे में ले जाती है, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करती है, और उसके बाद उसका अंडरगार्मेंट हटा करके देखती है, तो क्या देखती है ना कि आस्था का जो प्राइवेट एरिया था पूरा लाल हो गया था, और उसमें से झंडू बाम की स्मेल आ रही थी, लाइक लिटरली झंडू बाम। अब आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। मामा जी इतने कमीने इंसान थे कि जब वो लोग लुका छुपी खेल रहे थे ना आस्था को परेशान करने के लिए, या पता नहीं ल्यूब्रिकेंट के लिए, या पता नहीं आई डोंट नो कि ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों का दिमाग कैसे चलता है, उन्होंने हाथ में झंडू बाम लगा लिया था, और उसके बाद उन्होंने
हाथ डाला था और इसके कारण आस्था के प्राइवेट एरिया में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। थैंक गॉड कि उन्होंने झंडू बम यूज किया, अगर नहीं करते तो शायद आस्था नहीं रोती या पता नहीं क्या होता, भगवान जाने, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाची ने आस्था से पूछा कि क्या हुआ, यहाँ पर झंडू बम कौन लगाया, तुमने खुद लगाया है किसी और ने लगाया? कहीं ना कहीं चाची को गेस हो गया था, यार हमारी मम्मी चाची दादी ये सब एक्सपीरियंस लोग है, बच्चे की चेहरे देख करके ना ये लोग बता सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या हुआ है। आस्था ने चाची पे ट्रस्ट करके चाची को सब बता दिया और जैसे ही चाची को ये चीज पता चला ना, उनके पांव तले जमीन खिसक गई कि ये मामा है या कमीना है। वो चुपचाप से आस्था को उठाती है, अपने घर ले जाती है और आस्था की मम्मी के आने का वेट करती है। खैर उसके बाद चाची ने आस्था दी के प्राइवेट पार्ट पे बर्फ लगाया, पाउडर लगाया, हर वो चीज ट्राई की जिसके कारण आस्था दी को राहत मिले और थोड़ी देर के बाद आस्था दी शांत भी हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा सहमी सी हो जाती है, चुप सी हो जाती है। लेकिन फिर भी चाची ने ना थोड़ा टाइम लेने के बाद फिर से आस्था दी से अच्छे से डिटेल में पूछा कि मामा जी ने तुम्हारे साथ कुछ और गलत चीज तो नहीं किया? लेकिन यहाँ पर आस्था दी ना अब पूरी तरह से फूट जाती है और सब कुछ डिटेल में चाची को बता देती है स्टार्टिंग डे से कि मामा जी कैसे उसके साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। लेकिन अभी तक भगवान भरोसे आस्था दी बची हुई थी, अभी तो बस वो जाल में फंसी ही थी, पूरी तरह से नहीं फंसी थी। इसके बाद क्या होता है देखो, जल्दी से आस्था दी की मम्मी आती है, चाची सब कुछ आस्था दी की मम्मी को साफ साफ बता देती है कि देखिए आपकी बच्ची के साथ आपके नाकी के नीचे आपके भाई क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर सारी चीज जब आस्था की मम्मी सुनती है ना, उनको भी दो मिनट के लिए तो अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है, वो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर हम करें तो क्या करें, एक साइड मेरी बच्ची है और एक साइड मेरा भाई है, तो ये जो भी व्यथा है हम किसको बताएं? किसी को बताएंगे तो लोग मेरे को ही गाली देगा, बदनामी मेरी होगी, मेरे भाई की होगी और फिर हमको लोग बोलेंगे कि तुम ही तो अपने भाई को पढ़ने के लिए बुलाई थी, क्योंकि यहाँ पर आस्था की मम्मी ने ही जोर दिया था कि गांव में अच्छी एजुकेशन होती नहीं है तो भाई यहाँ आ जाएगा तो अच्छे से पढ़ेगा। लेकिन सारा ब्लेम तो अब आस्था की मम्मी पे ही आने वाला था, वो चाह के अपनी पति से भी ये सारी बातें नहीं कह सकती, अगर बता देती ना तो आस्था के पापा आस्था के मामा को जिंदा नहीं छोड़ते। यहाँ पर चुपचाप से चाची को समझा के आस्था की मम्मी और आस्था की चाची बात को निगल जाती है, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद ना वो अपने भाई को वापस गांव कोई भी बहाना देके भेज देती है। लेकिन आप लोगों को हम लोग एक चीज बताना चाहते हैं कि इस कहानी के थ्रू आप लोग एक चीज ध्यान में रखो कि बच्चे को बहुत कम उम्र से ही सेक्स एजुकेशन दो। सेक्स एजुकेशन मतलब बहुत हाई लेवल पर नहीं, एटलीस्ट गुड टच, बैड टच, प्राइवेट एरिया क्या होती है ये सब बताओ। और ऐसा हम लोग नहीं बोल रहे कि उन्हें बिठाओ उसके बाद समझाओ, ऐसे कोई बच्चा नहीं समझता है, खेल खेल में समझाओ ना। हमारे घर पे भी छोटे बच्चे हैं, अभी चप्पू वो लड़का है, स्टिल हम लोग उसको समझाते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा नहीं है कि जेंडर देख करके लोग दुष्कर्म करते हैं, यहाँ पर तो लड़के भी सेफ नहीं है। चप्पू अभी 3-3.5 साल का है, लेकिन उसको पता है कि उसका जो प्राइवेट एरिया है उसकी मम्मी के अलावा और कोई नहीं देख सकता है। वो पॉटी भी करता है ना तो केवल अपनी मम्मी को देखने देता है, अदरवाइज किसी को नहीं। वो किसी के सामने ना बाथरूम भी नहीं करता है, मतलब कि वन नंबर, भले उसे कितनी भी तेज बाथरूम आए ना वो बैठा रहेगा और जब तक कोई इंसान वहां रहे वो बाथरूम नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम लोग भी कपड़े बदलते हैं ना, उस बच्चे को बोलना भी नहीं पड़ता कि बेटा बाहर निकलो, वो तुरंत अपने आप से बाहर निकल जाता है। तो मतलब बच्चे के अंदर ना शुरू से ये चीज इंकल्केट करो। आई नो अभी जो जनरेशन हमारे मम्मी पापा का है वो लोग इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं है, बट हमारा जो जनरेशन है, हमारे बाद वाला जनरेशन है, उनको ये सब चीज सिखाने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, अगर आप अभी तक उसको बैड टच गुड टच के बारे में नहीं बताए हो तो बताओ, क्योंकि घर में रह रहा मेंबर ही हैवान बन सकता है, यू नेवर नो, आए दिन ऐसे खबर आते हैं। तो प्लीज इस चीज पर ध्यान दो एंड मेक श्योर करो कि आपकी बेटी, बहन या किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो, इनफैक्ट भाई या फिर बेटे के साथ भी। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी, बताना कि आपके साथ भी ऐसा कोई हैवान मामा या हैवान चाचा का पाला पड़ा है, और अगर पड़ा है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सारे आईडीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो रानी इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, नए हो और हमारे ये फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।